adulthood as well as the old age, that is the developmental stages in a human being. Now, what is an adulthood? Adulthood is the second step after the adolescence. Next step towards the after the adolescence, where we become mature, we become responsible, we can be self-supporting, and we have lots of adjustment to be made. Why adjustment? See, we are changing. We are now, before adulthood, we were totally dependent on our parents, right? Most of us. And now we have to become adult, and we have to act like an adult. We have to face the world. Okay, before 18, our home was our world. Now we have to venture out. We have to look out. We have to interact with many other people. And that is why we need to make lots of adjustment which we were not making before. Right? Now, we can be self-supporting, but it is a journey towards self-supporting. I'm not saying that all the people in the adulthood are self-supporting. I'm just saying that this is a journey where we are working towards a self-supporting system. Now, what is this transition period? This transition period make us a dependent individual to the independent individual. ठीक है? Dependence से independence तक हम आते हैं, right? This whole journey. आप ये तो है नहीं कि 18+1 हो गए और आपने अपनी कमाई शुरू कर दी and you are becoming fully independent and all that. No, it's a journey. धीरे धीरे ट्रांजिशन आएगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा. किसी टाइम पीरियड में आपकी जॉब लॉस हो गई तो आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो दोबारा, अगर आपकी एक फाइनेंशियल बैकिंग आपने अच्छी तरीके से नहीं रखी हुई तो. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सप्लोरिंग द लाइफ सिचुएशंस, डेवलपिंग अ स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज द होल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट? We want to develop in such a way that the life structure, the structure that we are developing is healthy. Okay, and it is meaningful. It has a definite structure that we want. देखो जिसको joint में रहना है वो joint में रहेगा, जिसको nuclear में रहना है nuclear में रहेगा. Nowadays live-ins are also there. Now what kind of a structure, life structure you want? You are going to work for it. Some people are working for the social, as a social person, right? They are not working for money. Okay. थोड़ा सा है सफिशियंट है, लेकिन लोग दूसरे लोग हैं बिल्कुल कैपिटलिस्टिक टाइप के अंदर जी रहे हैं. तो इट इज हाउ वी आर एक्सप्लोरिंग अवर लाइफ सिचुएशन एंड हाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट. इट इज इंडिविजुअल आउटलुक. ओके, नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इफेक्टिंग अस इन आवर करियर एंड वर्क? सी, वी गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर टास्क एंड वी आर मतलब वी हैव टू गिव एन आंसर फॉर नॉट डूइंग इट और फॉर डूइंग इट वेल. ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. अगर मैंने अच्छा किया तो मेरी है, गलत किया तो मेरी है. तो ये जो पहले एडोलेसेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था वो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है. वी हैव टू एडजस्ट विद द न्यू चैलेंजेस ऑफ द लाइफ सिचुएशन. नाउ सी, इफ आई एम वर्किंग या आई एम हैविंग अ करियर, आई मे हैव लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन. वो कंपटीशन मेरे लिए क्या करेगा, मेरी एप्रीहेंशन इश्यूज में होगा. मे बी ट्रैवलिंग अलोन टू अ न्यू सिटी, मे बी ट्रैवलिंग अलोन इन अ मेट्रो कैन बी अ एप्रीहेंसिव सिचुएशन फॉर मी. मैं एक छोटे एरिया से आई हूँ जहाँ पे मैं कभी अकेले नहीं गई, तो मेट्रो की मतलब जर्नी टू फ्रॉम माय पीजी टू द ऑफिस कैन बी अ एप्रीहेंसिव सिचुएशन. ठीक है, यहाँ पे मेरे लिए एप्रीहेंसिव सिचुएशन ये भी हो सकता है, मल्टीपल कास्ट सिस्टम लोगों के साथ मुझे काम करना पड़ेगा, अब उन लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब डाइवर्सिटी के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. तो दीज आर ऑल एडजस्टमेंट विद द न्यू चैलेंजिंग सिचुएशन. सी, एवरीवन हैज डिफरेंट मॉरल वैल्यूज एंड वी हैव लर्न कि हमारे पर्सनल मॉरल कोड्स बनते हैं एडोलेसेंस में. नाउ दोज विल बी चैलेंज इन अवर वर्क एरिया, करियर एरिया. ठीक है, आपको कोई सोचता होगा ऐसे नहीं करना, लेकिन आप देख रहे हो कट एंड थ्रोट बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो यू आर गोइंग टू इवॉल्व, यू आर गोइंग टू एडजस्ट, राइट? तो यहाँ पे जो पूरा एडजस्टमेंट है वो बहुत लेवल्स के ऊपर होता है, हमारे खुद के मॉरल के ऊपर भी होता है, हमारे फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस के साथ भी होता है. सो कोपिंग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स, इट इज नॉट मी, इट इज अस ऑल्सो एंड मी ऑल्सो.
एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पेरेंट्स कि तुम इतना कमा लोगे, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर फैमिली व्हिच दैट इंक्लूड्स योर वाइफ योर चिल्ड्रेन राइट, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई सेल्फ मैं कितना सचा रही हूँ कि मेरा क्या लेवल होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन भी होती है जो मुझे अपने आप को उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा राइट. एंड देन देयर इज अ एक्सपेक्टेशन ऑफ योर बॉस, ठीक है, ऑफ योर एम्प्लॉयज इफ यू आर वर्किंग एज अ इंडिपेंडेंट एंडेवर. तो आप अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके एम्प्लॉयज भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो यू हैव टू कोप अप विद ऑल द एक्सपेक्टेशंस अराउंड यू एंड विद इन यू. अपने अंदर की भी एक्सपेक्टेशन और बाहर की भी एक्सपेक्टेशन के साथ हमें कोप अप करना पड़ता है इन आवर करियर एंड द वर्क, प्रूविंग वन्स कॉम्पिटेंस नाउ वट एवर यू हैव अंडरटेकन. आपको अपने पेरेंट्स के आगे भी अपनी कॉम्पिटेंस को प्रूव करना होता है. आप एक बिजनेस खोल के बैठते हो, आप उसको सक्सेसफुल बना के अपने आप को प्रूव करते हो राइट. आप उसको अपनी जॉब में एक अच्छा काम करके अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली करके अपनी कॉम्पिटेंस प्रूव करते हो. इफ यू आर नॉट प्रूविंग योर कॉम्पिटेंस, ये जो आपने कॉम्पिटेंस अगर प्रूव नहीं करी तो यू विल नॉट बी, अगर आप प्रॉपरली अर्न नहीं कर पाओगे, प्रमोशन नहीं ले पाओगे, यू विल बी नोवेयर इन द लॉन्ग रन. आप अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाओगे बिकॉज यू पीपल आर ऑल हैव high expectation from yourself and the demands on your financial side is also too much right. to ye competence apni prove karke apne aap ke liye promotions lena achhi salary lena ye har ek ka dream hota hai aur ye hamare challenges hote hain right. these are our expectations challenges everything ye hame change karna padta hai jo abhi hum carefree life mein adolescent mein theek hai padhai ka pressure hai but you are not एक्सपेक्ट मतलब आप किसी के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन से पढ़ाई के अलावा कोई नहीं है. अब आपके पास बहुत सारी है, आपको शायद पढ़ाई भी करनी पड़ेगी नाइट इवनिंग क्लासेस में या कुछ कर में, साथ में ये सब भी करना पड़ेगा, करियर भी संभालना पड़ेगा, वर्क स्फीयर भी संभालना पड़ेगा. नेक्स्ट इज मैरिज पेरेंटहुड एंड फैमिली. नाउ यू नीड रिमेम्बर मास्लो, मास्लो को याद है ना, मास्लो ने क्या बोला था, जब मेरी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाती है तो उसके बाद आई वर्क फॉर बिलोंगिंगनेस नीड्स. अब ये वाला जब मेरा कवरअप है तो मेरी सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी राइट. करियर से और वर्क एथिक्स से मेरी ये दो नीड्स पूरी हो जाएंगी, तो नेक्स्ट विल बी माई बिलोंगिंगनेस नीड विच आई विल कैटर टू इन माई एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड, ठीक है. आजकल मिडल में ही होता है अराउंड आफ्टर 25 जो मैं अपने पेरेंटहुड मैरिज एंड ऑल के लिए डिसाइड करूंगी. नाउ व्हाट आर द इश्यूज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर चलते हैं कि आपने अपने लिए अपना फियांसी देख लिया, अपनी स्पाउस देख लिया. नाउ व्हाट आर द थिंग्स, नाउ एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, वी हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो द टू पीपल इन द मैरिज आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स हु आर लिविंग टूगेदर इन द बॉन्ड राइट. एंड इट हैज बीन मेड मतलब थ्रू मैरिज, यू आर नॉट लिविंग टूगेदर सिंस बर्थ. अब देखो आप भाई बहनों के साथ भी रहते हो तो उसके साथ कम से कम हफ्ते में 3 बार लड़ाई कर लेते हो या नहीं कर लेते, सारे कर लेते हैं ठीक है. अब आप खुद सोच कर देखो वो बंदा आपकी लाइफ में नया आया है, उसकी हैबिट्स कैसी होंगी, अलग होंगी, द लाइक्स एंड डिसलाइक्स विल बी डिफरेंट. हो सकता है आई लाइक एडवेंचर मूवीज एंड माई स्पाउस लाइक्स हॉरर मूवीज विच आई हेट, अब वी हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट राइट और रॉन्ग. तो हर एक लाइफ के अंदर हम लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स टेस्ट ये सब कुछ डिफरेंट हो सकता है. हो सकता है एक बंदा शादी के अंदर बोल रहा है चलो डोसा खा के आते हैं, दूसरे बोले मेरे को तो डोसा पसंद नहीं थी, मेरे को तो चाइनीज खाना है. अब वो झगड़ा होगा या नहीं होगा, आज ये करना है या नहीं करना, चलो दोनों की छोड़ो इंडियन नहीं, किसी ना किसी दिन तो इसके ऊपर भी झगड़ा होगा, कितने टाइम हो गया मैंने तो डोसा खाया नहीं, आज से डोसा खाने ही चलेंगे. तो कॉम्प्रोमाइज दोनों को बना करना पड़ेगा. तो ये जो एडजस्टमेंट है इन द चॉइसेस, इन द टेस्ट, इन द वर्किंग एडजस्टमेंट ऑल्सो, सी टूडेज वर्ल्ड बोथ द कपल्स मतलब बोथ द पीपल इन द कपल आर वर्किंग, ठीक है, कपल इज वर्किंग. तो पहले जमाने में तो ये नहीं होगा ना कि लड़की का घर का काम संभाल रही है और आदमी कमा के आ रहा है और पैसे दे रहे हैं, घर का काम लड़की कर रही है सारा. नाउ व्हेन द गर्ल इज वर्किंग इक्वली आउटसाइड देन व्हाट विल गर्ल्स एक्सपेक्ट, नाउ गर्ल्स टेल मी व्हाट विल यू एक्सपेक्ट, house should be supporting at in the household work also. Absolutely. Now simple thing, there will be working adjustments. The boys who have not been doing the work will have to cater to the needs of the household work. Chahe aap kamwali laga ke kaam karwaoge, chahe aap khud contribute karoge, you can't be a dictator in the relationship. Aapko dono ko lena aur dena padega.
राइट, वहां पे एक सोच बदलनी पड़ेगी. हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कई बार होता है वेयर वी मेक द बॉयज फील दैट यू कैन डिक्टेट एंड यू डोंट हैव टू डू जेंडर रोल्स, जो हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट बना लेते हैं कि लड़कियां घर का काम करेंगी और लड़के बाहर का काम करेंगे. दिस इज नॉट सो नाउ बिकॉज इफ द गर्ल्स आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम 8-9 to 8 तो वो कैसे सारा काम कर पाएंगे. आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट बॉयज को करना पड़ेगा. तो ये जो वर्किंग एडजस्टमेंट है उसके अंदर भी हमारी प्रॉब्लम होती है और उसके अंदर चाहे लड़के को प्रॉब्लम ना हो तो कई बार फैमिली वालों को होती है अरे ये तो वो बीवी का गुलाम हो गया एंड ऑल दैट. तो हमें वो वाली जो फैमिली एक्सपेक्टेशंस है हमें अपनी एडल्टहुड में उसको भी कवर अप करना पड़ता है, उनको भी समझाना पड़ता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. ठीक है, एक रिलेशनशिप में सिर्फ दो बंदे नहीं होते, सारे आउटसाइडर्स जो कमेंट कर रहे होते हैं वो भी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज पेरेंटहुड. नाउ पेरेंटहुड इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट हैज टू बी वेरी थॉट अबाउट टॉपिक. आप लोगों को सोच समझ के पेरेंटहुड में जाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड इफ द वन ऑफ द पेरेंट इज एट होम और नॉट. ठीक है, अगर दोनों है, दोनों में से एक है तो इट्स ओके, दैट पर्सन विल टेक केयर ऑफ द बेबी. Now, if that person is not there, do you have crutches nearby? Do you have any support system that will support you, your child, while growing up? Dadi hai, nani hai jo sambhal lengi? Nahi hai, to kya humare paas caretaker hai, koi aur paid, ya koi humare paas crutch hai aas paas? Jo koi facility hogi, toh hi to aap parenthood mein kar paoge. Theek hai, agar aapke paas aur kuch nahi hai, क्या आपके पास इतना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि आप एक जना घर छोड़ जॉब छोड़ के घर में बैठ के बेबी का ध्यान रख सको. तो दीज आर ऑल द डिस्कशंस दैट यू नीड टू हैव इफ यू बोथ आर वर्किंग. ओके, उसके अलावा क्या होती है, देखो डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन. नाउ यू आर नॉट टू पीपल इन मैरिज, देर आर ओनली टू पीपल विद द पोकिंग ऑफ आउटसाइड पीपल. नाउ वी आर थ्री पीपल और फोर, तो हमारा ये ट्रांजिशन बहुत अलग होता है क्योंकि यू आर नॉट फ्री टू गो आउट एनी टाइम. ओके, देयर विल बी टीजिंग, देयर विल बी क्राइंग, देयर विल बी सुसु एंड पॉटीज एंड ऑल द अदर थिंग्स. ठीक है, फिर स्कूल भी होगा, फर्स्ट डेज एट स्कूल भी होगा, सब कुछ होगा. ठीक है, चोट भी लगेगी, आपको पैम्परिंग के लिए घर में भी रुकना पड़ सकता है. तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर यू टेकिंग प्लेस रिलेशनशिप बिटवीन द यंग पेरेंट्स. इफ द पेरेंट्स, इफ द टू पेरेंट्स मदर एंड फादर आर फाइटिंग, then can they take care of this baby? No, the parenthood will be more difficult. If you have a loving relationship, parenthood will be more giving. Okay, aapko thoda sa stress reliever ka kaam karegi. So it is a very difficult job. Now both parents are working, it will be a little difficult. If there is a divorce or death of one of the person, theek hai, ab dekho, if this is life, there can be a unnatural death or suicide or something in a very young parenthood also. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई सिचुएशन जैसे डाइवोर्स जैसी सिचुएशन है या डेथ वाली सिचुएशन है तो हमने कैसे कोप अप करना. हमें और ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है क्योंकि वी हैव टू सी इन दैट केस द फाइनेंशियल इमोशनल सोशल ऑल काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अलोन. नाउ वी आर अलोन इन दिस केस. नाउ वॉट इज दिस, द ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन इन गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि तो हमें अगर ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वी विल इंजॉय दिस पेरेंटहुड. अगर हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, हमें ग्रोथ नहीं लग रही है, एज ए ह्यूमन बींग वी आर नॉट गेटिंग एनी थिंग, तो वो हमें बंदिश लगेगा, वो हमें जेल लगेगी, हमें वो लगेगा कि क्यों ये पैदा क्यों करें हम, राइट. तो ये सब चीज़ें एक थॉट अबाउट डिसीजन होता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन. यू आर नॉट सिंपली अ पर्सन, यू आर अ हस्बैंड वाइफ as well as a parent, right? Next, physical development. See, you are progressing towards your old age. आपकी maturity, जो physical changes होते हैं वो भी एक के बाद एक कोई ना कोई changes आते रहेंगे. आप खुद सोचो, जितने आप स्लीक अभी हो क्या आप 40s के अंदर आते हुए हो जाओगे, उतने ही रहोगे. बहुत कम जने होते हैं जो सेम रहते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशूज. योर बॉडी वेट कैन बी गेन, यू कैन गेन बॉडी वेट. लड़कों के टोन भी आ जाती है कई जनों के जल्दी, कईयों की लेट. बाल्डिंग हो जाती है, राइट. हेयर लॉस होता है, ग्रे हेयर होते हैं, रिंकल्स होते हैं. ऑल द फिजिकल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस विल नॉट बी कम्फर्टेबल फॉर ऑल.
People are using Botox. People are going for surgery when they see the wrinkles. They are going for hair transplant when they are getting bald. So these are additional pressures some people imbibe. आप देखो अनुपम खेर, he is so happy about talking about his ganja, right? तो was he not young any time? He was young when he was starting in the industry and he did not have the hair. But that is his outlook, that is his passion with the acting and the comfort that he was feeling with his own self image. तो जो self image आपकी adolescence में बनी है, if you are obsessed with your good looks and your hair and all those things, and you when the things start receding, it will affect you badly, right? It may not, लेकिन होता है, ठीक है? पहला grey hair सबको अजीब सा लगता है, 10 आ जाते हैं, coloring शुरू हो जाती है, right? उड़ने लगते हैं बाल, तो सारे तेल, हर तरीके का तेल, हर तरीके की रेमेडी शुरू हो जाती है. एंड अल्टीमेटली जो ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने पड़ते हैं उनको. दे आर नॉट कम्फर्टेबल विद देयर बाल्डिंग हेयर्स, राइट? तो ये जो होता है मैचुरेशन चेंजेस इन द बॉडी में आता है. नाउ विजडम इज इम्प्रूविंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस विद द एक्सपीरियंस. जो हमारा एडल्टहुड तक आते आते जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है उसकी वजह से हमारे वी आर गेनिंग द विजडम, वी हैव द विजडम, बट वॉट वी आर नॉट हैविंग इज द मेमोरी. The loss of STM and LTM, long term memory. Some people are losing their long term memory. Some people are losing their short term memory. कुछ होता है एकदम से याद नहीं रहता. अच्छा मैंने करा था क्या, मैंने बोला था क्या, अच्छा ये हुआ था वो, ऐसी वाली चीजें होने लगती हैं. It depends from individual to, it changes from individual to individual. सबके लिए सेम नहीं होता. Okay. Now deterioration in physical functioning, vision, hearing. Now what is the physical functioning? आप जितने एथलेटिक आप जवानी में हो उतने मेच्योरिटी में नहीं रहते कई बार, राइट? द लोड दैट यू कैन पुल इन योर अर्ली स्टेजेस ऑफ एडल्टहुड इज नॉट सेम एज द लेटर स्टेजेस ऑफ द एडल्टहुड. जैसे जैसे आप एडल्टहुड में प्रोग्रेस करते हो तो आपका जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है वो डिटोरेट होती है, राइट? आप पहले 10 चक्कर ऊपर नीचे लगा पाते थे तो आप 10 नहीं लगा पाओगे, आप 8 चक्कर काट पाओगे स्टेज के, राइट? उसके बाद क्या होता है, विजन एंड हियरिंग लॉस. दिस इज नॉर्मल. आफ्टर 30 देयर विल बी लिटिल लेस ऑफ आईसाइट. किसी की पास की कम होती है, किसी की दूर की कम होती है. हर एक जना लकी नहीं होता कि आईसाइट बिल्कुल सेम रहे, राइट? और कईयों के अंदर हियरिंग लॉस भी होती है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस एंड वी हैव टू गेट कम्फर्टेबल विद इट. वी विल हैव टू यूज द स्पेक्स एंड देन वी मे नीड टू यूज द ग्लेंसेज और वी मे गेट द आई ऑपरेशन एंड अदर थिंग्स. तो हमारा मेडिकल जो कंडीशन होती है वो डिटोरेशन के, वो तो अलग टाइप की डिटोरेशन है. दैट विल डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल मतलब फिटनेस ऑफ आवर बॉडी, बट फिजिकल चेंजेस आर कॉमन. क्लियर स्टूडेंट्स? एडल्टहुड इज क्लियर. नाउ वॉट इज ओल्ड एज? देर इज नो फिक्स एज दैट इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्ड एज. ओके, 60, 65, इट इज अ एज ऑफ रिटायरमेंट. ओके, अब एज ऑफ रिटायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होती है? देखो, एज ऑफ रिटायरमेंट मीन्स दैट यू आर चेंजिंग फ्रॉम एन एक्टिव वोकेशनल लाइफ टू द पैसिव लाइफ. ओके, अब ये जो पैसिव है आपके पास, आप एक 100% वो जो आप वर्किंग थे उसमें आपके आवर्स लेस हो जाएंगे अगर आपका खुद का बिजनेस है तो, राइट? यू विल टेक अ बैक सीट. आपका जो पूरा फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा. How come? See, you were the head of the family. Now your son or your daughter is the head of the family. Okay? You are head, but in name mostly. जो active member वाला जो होता है वो younger group आ जाता है, right? If it is a joint family. अब इसमें क्या होता है? अब इसमें adjustment चाहिए, क्योंकि आप अगर job में हैं, आप retire हो गए और आप घर में खाली हैं, right? आपके पास अब job fall back करने के लिए नहीं है. राइट? जो बिजनेस वाले हैं वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली वो अपना टाइम पास करके आ सकते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन जॉब वाला खाली हो गया. अब वो क्या करेगा? उसको वो घर जो उसने पीछे 40 साल 50 साल उस घर में नहीं बैठा कई कई घंटे, अब वो सुबह से लेकर रात तक उसी घर में है, तो विल नॉट ही फील डिप्रेस्ड? देयर आर चांसेस, यस और नो? यस, देयर आर चांसेस, but it depends on your mentality, it depends on your
perspective how you are going to feel. Now let's discuss this. Now see, if an individual is ready and positive, अगर वो इंडिविजुअल रेडी है कि हाँ मेरी रिटायरमेंट होने वाली है एंड आई एम पॉजिटिव, अब मैं वो करूंगा जो मैं चाहता था, राइट? अब इसने अपनी फाइनेंस को अच्छे तरीके से यूज कर रखा है, राइट? उसकी फाइनेंशियल वरी नहीं है, अब देखो पेंशन नहीं आ रही तो, और उसे इन्वेस्टमेंट सही कर रखी है तो ही विल नॉट हैव द फाइनेंशियल वरी. ही विल फील दैट दिस इज अ रिलैक्स्ड फेज ऑफ माई लाइफ. Now I will relax and do whatever I wanted to do previously and was not able to do. What I will do? I will make my life productive and creative use of my life. Right? I have seen many a people working as a social worker. Okay? हमारी एक दिल्ली में अग्रसेन धर्मशाला है, वहाँ पे वो लोगों ने क्या कर रखा है, हर कॉलोनी के आगे मोहिनी के अंदर फूड बैंक्स खोल रखे हैं जहाँ पे चपातीज आप ले सकते हो. एवरी दे कलेक्ट द चपातीज फ्रॉम एवरी फूड बैंक, वो जो उनका पॉट है या जो भी है, और वो वेजिटेबल बनाते हैं धर्मशाला में, उसके बाद स्लम्स में लेकर आते हैं. वो सारा काम सारे ओल्ड एज रिटायर्ड लोग देखते हैं, राइट? तो दे हैव मेड देयर लाइफ प्रोडक्टिव. आप 2 से 3 घंटे आपका सोशल सपोर्ट आप दे रहे हो, यू फील एनर्जाइज, हाँ हम एक अच्छा काम कर रहे हैं. देखो ये बहुत जरूरी है आपके जहन में आना कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी लाइफ पर मीनिंगलेस नहीं है. और दूसरा, आपका एक सोशल ग्रुप बनता है जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, आप घर से बाहर निकलते हो, यू फील गुड, यू फील हेल्दी, यू फील हैप्पी डूइंग द डील दैट यू वांट टू डू. ऐसे कई जने शादी वाले जो रिश्ते वाले होते हैं उस टाइप का वो काम शुरू कर देते हैं, एंड दैट टू मतलब लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस गिव्स सेटिस्फेक्शन टू दोस पीपल. तो ये लोग इंजॉय करते हैं. नहीं तो दूसरा होता है हमारा सिंड्रोम, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम. एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम क्या है? ये एज हुआ है जब आपके बच्चे 30 और 40 की एज में, वो घर छोड़ के जाएंगे अपनी जॉब के लिए, घर में तो नहीं रहेंगे, अब घर खाली हो जाता है, आपको फीलिंग ऑफ लोनलीनेस होती है. नेस्ट मतलब होम, घर खाली होना, और आपको वो घर चुभता है जो आपका आशियाना था, वो अब आपके लिए चुभने वाला एक चीज़ हो जाती है. Now, death of the spouse. जब दो जने होते हैं ना ओल्ड एज में, they can talk, they can discuss, they can really have a good time together. But if one of them goes away, it is the most difficult adjustment. जो आपका लाइफ टाइम पार्टनर था वो चला जाएगा तो आपको दिक्कत होगी या नहीं होगी, है ना? आपको बोलने वाला आपको देखना पड़ेगा किससे बात करूँ, बच्चे घर पे होंगे तो आप बात करोगे ना, अगर ग्रैंड चिल्ड्रेन है तो आप ग्रैंड चिल्ड्रेन के साथ मस्ती मार सकते हो, आप उनके साथ एक सपोर्टर बन सकते हो उनका. लेकिन अगर ग्रैंड चिल्ड्रेन नहीं है, दे आर लिविंग इन सम अदर प्लेस आउट ऑफ इंडिया, देन व्हाट यू विल डू, यू विल बी अलोन, राइट? तो दिस इज अ मेजर एडजस्टमेंट. तो एडजस्टमेंट टू द चेंजेस इन द फैमिली. देखो जहाँ पे आप उठ के आते, जो आप सबसे आपसे पूछ के काम किया जाता था, आप पर्स की स्ट्रिंग्स को कंट्रोल करते थे, आप किसका पर्स चल रहा है, बेटे का या बहू का या बेटी का, राइट? तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा या नहीं आएगा? दे आर इंडिपेंडेंट नाउ, दे विल नॉट आस्क, दे कैन टेक योर एडवाइस बट दे यू विल नॉट बी डिक्टेटर. ठीक है, ओल्ड एज में आप डिक्टेटर नहीं हो, जो जवानी में आपने डिक्टेटरशिप की है वो नहीं कर सकते. तो वो एडजस्टमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज देयर इज अ न्यू रोल दैट इज वेटिंग फॉर यू. यू आर नाउ, यू आर फेसिंग लॉस ऑफ एनर्जी, मेडिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, नीड सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंग. इस टाइम पे जो इंसान होता है, ओल्ड एज वाला बंदा, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग चाहिए, चाहे आपके बच्चे दें, पड़ोसी दें, चाहे कोई भी दे, लेकिन वो वाली चीज़ जाने लग गए, सो दैट दे कैन गेट अ पीयर ग्रुप विच कैन सपोर्ट देम. गॉट इट? क्लियर?